अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें उन्होंने कुछ इक्वेशन दी हुई हैं, उसमें हमने वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, वो है लॉग, हमारा है लॉग 81, इसकी बेस है 3, इक्वल है हमारे एल के। तो स्टूडेंट्स, पिछले जो हमारे लेक्चर है उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम लॉग को ख़त्म करेंगे तो हमारा जो लॉग होगा, इसकी जो हमारी पावर होगी, इसको और जो हमारा इक्वल जो चीज़ होगी उसकी बेस को आप उसमें क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। यानी जब भी मैं लॉग को ख़त्म करूँगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, इसकी जो पावर है वो यहाँ पर चली जाएगी और जो इसकी बेस है वो इसकी पावर बन जाएगी। यानी कि ये 3 एल हो जाएगा और ये आ जाएगा 81। तो अभी हमने इस जो हमारी ये हमारी इक्वेशन है, इसमें हमने एल की वैल्यू को फाइंड करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 3 की पावर एल इक्वल जो 81 है, हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 हम इसको लिख सकते हैं। 3 जो हमारे जब बेस सेम है और हमारे बीच में इक्वल का साइन है, तो हम अगर दोनों बेसें सेम हों तो हमारी जो पावर है वो भी सेम होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं L इक्वल है 4। तो ये हमारा ये L की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4। तो अभी मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर हमारा है 2, वो है log A, हमारा है log A की पावर है 6 इक्वल है हमारा 0.5 के। तो सबसे पहले मैं log को ख़त्म करूँगा, जब log को ख़त्म करूँगा यहाँ पर आ जाएगा A 0.5 इक्वल आ जाएगा हमारा 6 के। तो अभी मैं इसको लिखूंगा a 0.5, यहाँ पर आ जाएगा अशारिया की जगह पॉइंट की जगह पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 इक्वल आ जाएगा हमारे 6 के। ये 5 से मैं इसको कट कर दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा a की पावर 1/2 इक्वल आ जाएगा हमारे 6 के। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर भी स्केयर ले लेता हूँ और यहाँ पर भी स्केयर ले लेता हूँ। तो ये 1/2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए का स्केयर रूट ओवर 2 इक्वल आ जाएगा 6 का जो स्केयर होता है वो होता है 36। ये स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए इक्वल आ जाएगा 36 के। तो यही हमारा सलूशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है हमारा लॉग एन, लॉग एन इसकी जो बेस है वो है 5 इक्वल है 2 के। तो सबसे पहले हम लॉग को ख़त्म करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 की पावर 2 इक्वल आ जाएगा 9 के और ये आ जाएगा 25, यानी 5 का स्क्वायर होता है 25, ये इक्वल आ जाएगा एन के। तभी हम इसको लिखेंगे एन इक्वल 25। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन आ जाएगा। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वो है 10 की पावर है p इक्वल है हमारे 40 के। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर लॉग नहीं है, सबसे पहले मैं इसका लेता हूँ लॉग दोनों तरफ, यहाँ पर आ जाएगा लॉग 10 p इक्वल आ जाएगा लॉग 40। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि लॉग 10 और इसकी है पावर p, तो जो पावर है वो आ जाएगी स्टार्ट में, यहाँ पर आ जाएगा p, यहाँ पर आ जाएगा 10 इक्वल आ जाएगा log 14। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने पावर को स्टार्ट में लिख लिया है, अभी मैं करता हूँ log 10 इक्वल है log 40 के। तो पहले हम log लेते हैं log 10 जो हमारा होता है, हम कैलकुलेटर से लेते हैं log 10, ये होता है 1 के इक्वल, यहाँ आ जाएगा p 1। अभी हम लेते हैं log 40 जो हमारा होता है वो होता है 1.6021। तो p 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको p आ जाएगा इक्वल आ जाएगा 1.6021। तो स्टूडेंट्स, जो p की वैल्यू है वो आ जाएगी 1.6021। तो ये था क्वेश्चन नंबर
4.3.2 एक्सरसाइज का जो हमने कंप्लीट जी स्टूडेंट्स। तो अभी हम अपना करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है लॉग, हमारा है लॉग 1/128, इसकी जो बेस है वो है 2। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको इक्वल रखेंगे एक्स के, यानी कि लेट कर लेंगे। लेट करने के बाद यहाँ पर लिख लें आप लेट, पहले आप इक्वेशन लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे लेट, उसके बाद फिर ये चीज़ आएगी। तो अभी यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट, इसको मैं इक्वल रख लेता हूँ एक्स के। तो सबसे पहले मैं लॉग को ख़त्म करता हूँ, लॉग को जब ख़त्म करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2x इक्वल मेरे पास आ जाएगा 1/128। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर है मेरे पास 2x इक्वल, यानी इसकी बेस और इसकी पावर को मैं आपस में कर देता हूँ इंटरचेंज जब भी हम लॉग को ख़त्म करते हैं। ये पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से मैंने ये बात समझाई है। अभी 128 की मैं करता हूँ फैक्टराइजेशन, यहाँ पर आता है 128, यहाँ पर आएगा 2, 6, 4, 2, 3, 2, 2, 1, 6, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अभी मैं लिखूँगा 2x और लिखूँगा 1/2, यानी 128 की मैंने की है फैक्टराइजेशन, इसकी मैंने तजदी की है। अभी इसको मैं लिखता हूँ 2^7। तो अभी हम इसको लिखते हैं 2x इक्वल आ जाएगा 2^ प्लस में है, प्लस 7 है ऊपर जाकर माइनस 7 हो जाएगी, यहाँ पर बेस सेम होगी, दरमियान में इक्वल का साइन है, तो यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल आ जाएगा हमारा -1/7। तो स्टूडेंट्स x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -7, तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो कह रहा है कि log 5/2 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2। तो जो हमारा log है वो है, हमारे पास जो log है वो है 2 स्क्वायर रूट 2, इसकी जो बेस ये है और इसकी जो पावर है वो है 5/2। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको कर देते हैं लेफ्ट, लेफ्ट लिखने के बाद इसको करते हैं ये रख लेते हैं हम इक्वल टू एक्स। तो अभी हम करते हैं सबसे पहले हम लॉग को ख़त्म करते हैं, जब हम लॉग को ख़त्म करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर आ जाएगी एक्स इक्वल आ जाएगा 5/2। तो अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अभी जो मेरे पास है 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर रूट, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो इक्वल होता है 2 को। तो अभी मैं ये जो मेरे पास 2 है ये वाला, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर रूट, और 2 का स्क्वायर रूट ऑलरेडी मेरे पास है, इसकी पावर आ जाएगी एक्स इक्वल आ जाएगा 5/2। तो स्टूडेंट्स अभी 2 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और इसकी पावर आ जाएगी एक्स इक्वल आ जाएगा 5/2। तो अभी जो मेरे पास है 8, ये स्क्वायर रूट को मैं लिख सकता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई ऑलरेडी मेरे पास एक्स है, यहाँ पर आ जाएगा 5/2। तो स्टूडेंट्स अभी हम इसको नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं। तो जो x है इसको मैं पावर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 8x/2 इक्वल आ जाएगा 5/2 को मैं लिख सकता हूँ 8^3। अभी मैं 8 मल्टीप्लाई 8 करूँ तो ये मेरे पास आता है 5/2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8^3। अभी हमारे पास जो इक्वेशन बनी है यहाँ पर जो बेस है वो हमारे पास सेम आ गई है, तो अभी जो हमारी पावर है वो भी सेम होगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x/2 इक्वल हमारे पास आ गया 3, यहाँ पर लिख लेता हूँ 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, एक्स इक्वल हमारे पास आ जाएगा 6। तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की आसानी से समझ आई होगी। फिर भी मज़ीद अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी मसला आता है, परेशानी आती है, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, हम इंशाल्लाह उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।